एटीट्यूड फ्लो कितना तगड़ा है भाई, प्योर ओल्ड स्कूल बीट है। और जो एटीट्यूड को तो गैंगस्टर जो एटीट्यूड चाहिए होता है वो पूरा कैरी कर रहे हैं कहीं। भाई वो याद है, वो एक खंडर में करा था उन्होंने, हाँ जहां एक ग्रेफिटी वाली वैसा गैंगस्टर फील का होना हो, पर वो अपना जो अटायर है उनका थोड़ा बिल्कुल वैसा ही बिल्कुल। रहता है। तो क्या हाल चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, वी आर ज्वाल ब्रदर्स। हाई, आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप व्हाट्स अप व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड आज हम जिस गाने पे रिएक्ट करने वाले गाइस, वो दोबारा से हम हिप हॉप वर्ल्ड की तरफ गए हैं और वहां से हमने गाना पिक करा है जिसका नाम है लोको, जिसे रिटन एंड परफॉर्म करा है जेमसी एंड डॉलर बी ने, एंड डायरेक्टेड बाय जेमसी डॉलर बी एंड एबीग्राफी, एंड एडिटेड वीएफएक्स बाय तमु एंटरटेनमेंट एंड शॉट बाय एबीग्राफी। गाइज, तो इस गाने की आई थिंक फरमाइशें काफी आ रही थी, बहुत सारी फरमाइशें आ रखी थी। तो गाइज, हम उन सभी लोगों को शॉट आउट दे रहे हैं जिन लोगों ने इसकी फरमाइश हमको करी थी और आज हमने गाना ले लिया है गाइज, और जल्दी ये गाना ड्रॉप भी हो जाएगा, इस गाने पे हमारा रिएक्शन भी ड्रॉप हो जाएगा, राइट। तो गाइज, ये तो जानकारी थी हमारे आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में, अब थोड़ी सी जानकारी भाई देंगे आपको चैनल के बारे में। लेट्स गो। सो गाइज, वी आर बैक वंस अगेन ऑन नैपहॉप। हम फिर से एक जेमसी का एक ट्रैक उठा के लाए हैं डॉलर बी के साथ, इस बार उनका कोलैबोरेशन है, गाने का नाम है लोको। सो गाइज, चलिए रिएक्ट करते हैं, होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइज, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाके हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप स्पॉटीफाई पर पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो हमारी पॉडकास्ट भी रिलीज हो चुकी है, जाके उसे भी सुनिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइज, तो चेक इट आउट। तो चलिए गाइज, टाइम वेस्ट करे बिना हम चलते हैं सीधे गाने की तरफ, देखते हैं जेमजी एंड डॉलर भी क्या कह रहे हैं। Let's react. Loco. Loco. DG Records presents Loco. Dori Dori. Nice. Gang, gang. Jamsi ke yehi hai. Bura gangster style. Balchana Coco. Talking shit say so so. Graffiti. All of my guys are Loco. All my money like 6 feet, I don't care about them guys or big tits. In this ocean with a big fist, all of my bros are like misfit. They risky, oil post and a kids get psycho visa. हाई एटीट्यूड फ्लो कितना तगड़ा है भाई, प्योर ओल्ड स्कूल बीट है, और फ्लो क्या गजब फ्लो है भाई, फ्लो भी गजब है। और दूसरा जो एटीट्यूड को तो गैंगस्टर जो एटीट्यूड चाहिए होता है वो पूरा कैरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इतना तो समझ आ रहा है कि थोड़ा सा गैंगस्टर फील की तरफ बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल, वो करा हुआ है, तभी अटायर भी वैसे ही ले रखे हैं। और जामसी का हमने जो पुराना गाना इससे पहले जो ट्रैक किया था ना भाई, वो याद है, वो एक खंडर में करा था उन्होंने, जहां एक ग्रेफिटी वाली कार कार भी थी ऊपर पूरा, और योडा के साथ था आई थिंक, जामसी और योडा का कोलैबोरेशन था उसमें। हाँ। और उसमें भी उन्होंने ऐसी मास्क वास्क पहने हुए थे और बिल्कुल गैंगस्टर स्टाइल फील आ रहा था उसमें, वैसे ही करते हैं जेमसी, थोड़ा सा गैंगस्टर वाले उसमें ज्यादा रहते हैं, मतलब गाना उनका चाहे गैंगस्टर फील का होना हो, पर वो अपना जो अटायर है उनका थोड़ा वैसा ही रहता है, और उसके वजह से थोड़ा फील तो आता है, वो गैंगस्टर फील वाला आता है पूरा। तो नेपाली के जैसे थोड़ा हम बोल कर पा रहे हैं, पर मुझे जितना लग रहा है ये भी कहीं ना कहीं गैंगस्टर उसका फील उन्हें दे रखा है। और पीछे ग्राफिटीज चल रही है वीडियोज में, फ्लो फ्लो बहुत तगड़ा है भाई, बीट्स के साथ गजब फ्लो चल रहा है, गजब ही कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है सुनने, मजा आ रहा है। क्योंकि गाइस देखिए, हमें मजा, हम लोग को ज्यादा नेपाली लैंग्वेज समझ नहीं आती, पर उसके बाद
बाद भी अगर हम ग्रूव कर रहे हैं, उस पर इंजॉय कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो चीज हिट कर रही है कहीं ना कहीं ना, क्योंकि क्योंकि सिर्फ लिरिक्स का मतलब नहीं होता, होता है कि गाने को बनाया किस तरह गया है, म्यूजिक कैसा डाला गया है, उसके साथ फिर फ्लो कैसा जा रहा है, तो वो चीजें तो हम कनेक्ट कर ही लेते हैं कि भाई पता चल रहा है, अगर कहीं पे भी वो थोड़ा अप एंड डाउन होगा तो समझ आ जाएगा। आप लोग तो हो ही जनता है यार, बताओ हमें कमेंट सेक्शन में क्या कह रहे हैं, क्या किस बारे में ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बात ये है ना कि हमें ना, हम कोशिश करते हैं कि हमें कहीं से ट्रांसलेशन मिल सके। अब जैसे लिल बुद्धा हो गए, यूनिक पोएट हो गया, कई बार वो इंग्लिश में रैप इंग्लिश में करते हैं या यामा बुद्धा के कई रैप इंग्लिश में, तो हम वो उसे पूरा डिकोड करते हैं, पर हमें नेपाली से हिंदी में या इंग्लिश में ना उसका वो नहीं मिलता, हमें ट्रांसलेशन नहीं मिलता, तो हमें थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। पर फिर भी हम टेक्निकल साइड में बात करते हैं, टेक्निकल साइड और गाने के उस पे बात करते हैं, वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम जितना इसको डिकोड कर सके टेक्निकल बेसिस, टेक्निकल बेसिस। या तो गाइस बहुत ही सही है, और देखिए अब डॉलर भी आएंगे तो हम देखते हैं उनका क्या लोको का मतलब, लोको एक्चुअली स्पेनिश वर्ड होता है, जैसे जो बंदे सनकी होते हैं या मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं ना, उन्हें लोको कहा जाता है स्पेनिश में, स्पेनिश में, तो वही वर्ड इन्होंने वहां से, वो सनकी मतलब एक तरह से थोड़ा सनकी उस जॉनर में कह रहे हैं, होते नहीं वो गैंगस्टर, थोड़े मेनियक्स टाइप के, उन्हें लोको बोलते हैं स्पेनिश में, तो वो वही चीज, वो चीज का रेफरेंस है, वो हमने कनेक्ट कर लिया, वो तो देख रहा वीडियो में यार, जो हिप हॉप एलिमेंट्स गजब यार, गजब एक बात है। और एक जगह पे उन्होंने ना, जैसे रॉ साउंड होता है ना जिसमें कोई पीछे मिक्स मास्टरिंग नहीं होता, वहां पर एकदम से वहां पर उन्होंने लोको का फिर वहां से स्टार्ट कर दिया, वो काफी सही बैठा होता है, सही कह रहे हो, स्विच काफी अच्छा वो कर रहा है उसमें, उसमें शायद जिन्होंने रिकॉर्ड करा होगा, जो बेसिकली म्यूजिक प्रोड्यूसर है उन्होंने काम करा होगा, तो उन्होंने मिक्स एंड मास्टर के टाइम पे उन्होंने रॉ ऑडियो डाला और रॉ करके इंजीनियरिंग वो कर दिया उसको। तो बहुत गाइस गाना तो बहुत बढ़िया, क्योंकि जेम्सी बहुत सही आर्टिस्ट है, इवन डॉलर बी ने भी अपना पार्ट जो भी है बहुत सही है एंड बहुत अच्छा काम करा हुआ है गाइस, मजा आ रहा है सुनने में। अब देखिए गाइस ऐसा होता है ना, कुछ ये जो ट्रैक्स होते हैं ये वैसे ट्रैक्स नहीं है जो आपको एक दो बारी में वो करेंगे, आप ना सुनते रहो इनके साथ, मेरे को ऐसा फील होता है कि इन गानों में कहीं ना कहीं आदमी डीप लिरिक्स चीजों के बारे में बात करता है, और जब उस फील के साथ उसे एंजॉय करोगे ना तो आप लोग को और मजा आएगा। देखो हम लोग तो पहले से हिप हॉप उसमें इतने जुड़े हुए हैं कि हम लोग को तो मजा आता ही है, सही बात तो है, हम तो एंजॉय करते हैं लिरिक्स तो सेकंड वो है, पहले जब कान में पहले बीट्स बीट पड़ती है ना, तो कोई भी एंजॉय करते हैं पहले, कोई भी रैप सीधे वर्डिंग के साथ लिरिक्स के साथ स्टार्ट नहीं होता, शुरुआत में बीट्स आती हैं, पीछे रिपरकशंस आते हैं, और इन चीजों को आप सुनते हो ना तो पहला आपको वहीं से पता लग जाता है कि किस स्टाइल का म्यूजिक, स्टाइल का म्यूजिक है, कैसे जाने वाला है, कैसे जाने वाला, कैसे जाने वाला, तो वही है। और गाइज ऐसा नहीं है कि हम नेपाली ऑडियंस को वू करने के लिए इस स्टाइल का, हम आगे हमने कोरियन स्टाइल रैप भी लेना है, हमने जापानीज स्टाइल रैप भी लेना है, हमने मैक्सिकन स्पैनिश हर स्टाइल हर कंट्री वाइज हमने जाना है,
और भले ही हमें लैंग्वेज समझ में ना आए क्योंकि हमने बहुत वाइड, अब यार हम बाहर क्या बोले, हमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ समझ में आपने, अपनी कंट्री में हमारी इतनी लैंग्वेजेस हैं कि समझ में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पे, क्योंकि हम एंजॉय करना चाहते हैं, रिएक्शन तो सेकंड चीज है, पहली चीज है हम उसको एंजॉय करना चाहते हैं, और हम अगर एंजॉय कर रहे हैं तो हम अपने व्यूअर्स तक और तरह का हिप हॉप भी पहुंचाना चाहते हैं गाइस, कि आपके सिटी में या आपकी कंट्री में जो हिप हॉप हो रहा है वो तो बहुत बढ़िया हो ही रहा है, पर साथ ही और कंट्रीज और सिटीज में भी बहुत बढ़िया हो रहा है, और थोड़ा सा आप अगर हिप हॉप से, अगर आप हिप हॉप हमेशा कनेक्ट करता है, हिप हॉप की हमेशा वो ये रही है कि वो कनेक्ट करता है लोग, कल्चर्स को कनेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं इससे वो चीज का फायदा होगा, और हर तरह के उससे आपको पता चलेगा कि कैसे हिप हॉप ग्रो कर रहा है, और इससे आर्टिस्ट हो चाहे कोई भी लर्नर हो, वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने की, यंगन्स हैं जो अभी नया रैप लिखना शुरू किया है, जो या अभी रैपर्स हैं नए, वो जो स्ट्रीट रैपर्स हैं, वो आप डिफरेंट कंट्रीज का रैप सुनो ना, तभी आप प्रोड्यूस कर सकते हो नई बीट्स, तो बीट प्रोड्यूसर्स हैं, या आप उस स्टाइल का हाँ, रैप, आप कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित हो, कॉपी नहीं करना है पर प्रेरित हो सकते हो, आप उनसे आप सीख सकते हो, आप उनसे समझ सकते हो, अच्छा ऐसे करके होता है, तो मैं इसको अपने तरीके से कैसे उतार सकता हूँ इस तरीके से। तो गाइज हमें गाना तो बहुत बढ़िया लगा है, लोगों को बहुत मजेदार गाना है, अगर आपने अभी तक चेक नहीं करा तो जाके जेम्सी के ऑफिशियल चैनल पे जाइए और इस गाने को चेकआउट करिए, वाइब करिए इस गाने के साथ, और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए हमारा रिएक्शन भी चेकआउट करिए गाइस, अगर आपको हमारा रिएक्शन मजा आ रहा है, आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे गाइस कमेंट करिए, हमें ऐसे कमेंट नहीं, हमें फरमाइशों के कमेंट तो बहुत मिलते हैं, पर कैसा लग रहा है आपको काम, वो एक बार आप जरूर कमेंट करिए गाइस, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को लाने में, उनको समझने में, फिर उनको ब्रेक डाउन करने में, अलग अलग तरह की रिसर्च करने में, बहुत सारा मेहनत है गाइस, अगर आप लोग सपोर्ट दोगे तो गाइस हमें और ज़्यादा मजा आएगा करने में, और आप लोगों के लिए हम और बेटर बेटर चीज़ें लेके आ पाएंगे, राइट। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए गाइस, और हम दोबारा वापस आएंगे, जल्द वापस आएंगे एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वेल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।